नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और इन्वेस्टमेंट विद तरुण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। 10वें नंबर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है उसका नाम है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, और इस कंपनी के फाउंडर है मिस्टर जयप्रकाश गौर जी, और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 1979 में की। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 13.40 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3,275 करोड़ है। इस कंपनी पर जो डेट है वो 16,434 करोड़ है, और पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को -37% के हिसाब से रिटर्न दिया है, और 3 साल में -22.2% के हिसाब से रिटर्न दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं 9वें नंबर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है एनसीसी लिमिटेड, और इस कंपनी के फाउंडर है मिस्टर एवीएस राजू, और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 1978 में की। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 83.20 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 5,074 करोड़ है। इस कंपनी पर जो डेट है वो 1,749 करोड़ है, और पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 5.51% के हिसाब से रिटर्न दिया, और 3 साल में 8.46% के हिसाब से रिटर्न दिया है। तो 8वें नंबर पर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है उसका नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड, और इस कंपनी के फाउंडर है मिस्टर वीरेंद्र दत्तात्रेय महेशकर जी, और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 1998 में की। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 162 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 5,704 करोड़ है, और इस कंपनी पर जो डेट है वो 18,094 करोड़ है, और पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1.72% के हिसाब से रिटर्न दिया, और 3 साल में 8.51% के हिसाब से रिटर्न दिया है। 7वें नंबर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। इस कंपनी के फाउंडर है मिस्टर के नरसिम्हा रेड्डी जी, और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 1995 में की। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 220 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 6,194 करोड़ है, और इस कंपनी पर जो डेट है वो 729 करोड़ है, और पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 23.2% के हिसाब से रिटर्न दिया, और 3 साल में 21.6% के हिसाब से रिटर्न दिया, यानी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को। तो चलिए अब बात करते हैं 6वें नंबर की। 6वें नंबर पर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है PNC इंफ्राटेक लिमिटेड। इस कंपनी के फाउंडर है मिस्टर प्रदीप कुमार जैन जी, और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 1999 में की। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 250 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 6,412 करोड़ है। इस कंपनी पर जो डेट है वो 3,755 करोड़ है, और पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 17.7% के हिसाब से रिटर्न दिया, और 3 साल में 19.9% के हिसाब से रिटर्न दिया है। 5वें नंबर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो सबसे ग्रोइंग कंपनी है उसका नाम है राइट्स लिमिटेड, और इस कंपनी के फाउंडर है इंडियन रेलवे, और इस कंपनी की शुरुआत 1974 में की। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 270 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 6,497 करोड़ है। इस कंपनी पर जो डेट है वो 28.9 करोड़ है, और पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 17.2% के हिसाब से रिटर्न दिया, और 3 साल में 20.6% के हिसाब से रिटर्न दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं 4वें नंबर की। 4वें नंबर पर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की सबसे ट्रस्टेड कंपनी है उसका नाम है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, और इस कंपनी के फाउंडर है मिस्टर दिलीप सूर्यवंशी जी, और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 1987 में की। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 556 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 8,129 करोड़ है। इस कंपनी पर जो डेट है वो 9,583 करोड़ है, और पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 7.70% के हिसाब से रिटर्न दिया, और 3 साल में 12.7% के हिसाब से रिटर्न दिया है। 3रे नंबर पर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो सबसे ट्रस्टेड और वैल्यूएबल कंपनी है उसका नाम है NBCC इंडिया लिमिटेड, और इस कंपनी के फाउंडर है मिस्टर PK गुप्ता जी, और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 1960 में की। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 55 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 99 करोड़ है, और ये कंपनी डेट फ्री है, और पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 5.17% के हिसाब से रिटर्न दिया, और 3 साल में 16.1% के हिसाब से रिटर्न दिया है।
दूसरे नंबर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है उसका नाम है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी के फाउंडर है मिस्टर GM राव जी और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 1978 में की। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 71.70 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 19,134 करोड़ है। इस कंपनी पर जो डेट है वो 32,395 करोड़ है। तो चलिए अब बात करते हैं पहले नंबर की, जो पहले नंबर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो सबसे वैल्यूएबल ग्रोइंग और ट्रस्टेड कंपनी है उसका नाम है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड और इस कंपनी के फाउंडर है मिस्टर HH लार्सन एंड SK टर्बो जी और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 1938 में की। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 1,524 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,14,041 करोड़ है। इस कंपनी पर जो डेट है वो 1,34,629 करोड़ है और पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 18.5% के हिसाब से रिटर्न दिया और 3 साल में 16% के हिसाब से रिटर्न दिया। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।